हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का चैलेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो चैलेंज है वो है गूगल पिक्स माय मेकअप चैलेंज, जो स्टार्ट किया था निक्की ट्यूटोरियल ने। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैलेंज पता ही होगा कि क्या है। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि आपका जो नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो, एंड आपके जो सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर, लाइक मेरा है स्वाति गोसावी, तो SG मुझे गूगल में टाइप करना है, SG स्पेस लुक। तो जब आप ये डाल के सर्च करोगे तो इमेजेस में आप जाना है, एंड वहाँ पर जो फर्स्ट इमेज रहेगी वो आपको एज अ रेफरेंस इमेज लेनी है। उसमें जो कलर्स रहेंगे वो आपको यूज करने हैं आपके मेकअप में। तो ये जो मेरा मुझे जो रेफरेंस इमेज मिली थी उसमें था थोड़ा वाइन कलर, लाइक डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, तो ऐसे कुछ कलर्स थे। तो मुझे ये ही कलर्स यूज करने हैं एंड एक अच्छा सा मेकअप क्रिएट करना है। सो यस, मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, थोड़ा बहुत नहीं, मैंने मेकअप कर ही लिया है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये सब कैसे क्रिएट किया है तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट मेरे स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है एंड मैं अभी यूज करूंगी डायरेक्टली NY बेक स्टिक। मैं यहाँ पर कोई प्राइमर यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने जो रोज हिप सीरम है वो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया मेरे फेस पे, एंड वो है ना प्राइमर का भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके बाद मुझे प्राइमर की कोई नीड, यू नो, ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। तो यस, मैं अभी ये जो NY बेक का जो ये स्टिक है वो मैं अप्लाई कर लूँगी। आप लोग काफ़ी सारे वीडियोस में देखते होंगे कि मैं काफ़ी ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद आ रहा है ना, तो या इसलिए। आई लव दिस स्टिक्स गाइस। मेरे पास दो है, थोड़ा एक डार्क शेड है एंड एक लाइट शेड है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये स्टिक। ये इतने अच्छे हैं एंड इतने इजीली ब्लेंड हो जाते हैं ना, क्या था ये। अब बारी आती है इसे अच्छे से ब्लेंड करने की, तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने लिप्स पे अप्लाई किया है लैक्मे का लिप बाम जो थोड़ा सा टिंटेड है, तो काफी अच्छे लग रहे हैं लिप्स। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेबेलिन का फाउंडेशन, सॉरी कॉम्पैक्ट पाउडर। सो यस, इसे मैं अच्छे से सेट कर लूंगी। ओके, तो आई थिंक ये काफी अच्छे से लग गया है मेरे फेस के ऊपर। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो मेरा जो कलर है जो मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो वो कलर है थोड़ा वाइन कलर है, उसमें ब्लैक कलर है एंड वाइट है, सिल्वर है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसे कंबाइन करके एक अच्छा सा आई लुक क्रिएट करूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले है ना अपने आईब्रोज अच्छे से फील कर लूँगी, एंड उसके लिए मैं एज यूजुअल जो यूज़ करती हूँ आई शेडो, मैं वही आई शेडो यूज़ करूँगी एंड फटाफट से आईब्रोज को फील कर लूँगी। एंड ये आईब्रोज फील करने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है बट काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। कैन सी वेरी पिगमेंटेड बट ये लाइट हो जाता है बाद में। ओके, आईब्रोज डन हो गए। उसके बाद आती है आई मेकअप की बारी। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं ये वाला जो शेड है वो यूज करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड, तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं यूजुअली यही कलर यूज़ करती हूँ, काफ़ी पिगमेंटेड है ये जो आई शेडो पैलेट है, वो है वेट एंड वाइल्ड का एंड सो पिगमेंटेड गाइस, सी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। आपको ना वीडियोस के बीच में ना थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा बट इग्नोर कर देना गाइस, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है बाजू में एंड वो लोग दिन भर यही करते रहते हैं। डोंट नो इतना क्या करते हैं, क्या बना रहे हैं क्या पता, उनको ही पता, बट पूरा दिन उनका यही चालू होता है।
सी माय गुड लक। अभी मैं क्या करूँगी, जो ADS के आईलाइनर पेंसिल है उसे मैं अपने आउटर वी पे प्लेस कर लूँगी। अभी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, तो इनको मैं इनवर्ट डायरेक्शन में ब्लेंड करूंगी ताकि जो भी आई शेडो है वो अंदर की साइड पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, सो ये थोड़ा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बट मैं अब पहले अंदर जो मेरा वाइन कलर है, डार्क ब्राउन कलर, उसे मैं अच्छे से पहले प्लेस कर लूँगी, उसके बाद में दोनों को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो फर्स्ट ना मैं ये वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो पैलेट में से ये पहले कलर में लूँगी एंड अपने पूरे जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पर मैं अप्लाई कर लूँगी। आई जस्ट होप कि मैं जैसा सोच रही हूँ ये वैसे ही लुक क्रिएट हो एंड अच्छा हो जाए। क्योंकि ये जो ब्लैक है वो इतना इवनली ब्लेंड नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत हाइड हो जाएगा इससे एंड यू नो अपवर्ड तो ब्लैक है ही। ओके, सो दिस इज लुकिंग रियली नाइस, आई थिंक सो। ओके, देन उसके बाद में क्या करूंगी, सेम मैं अपने अभी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। का है इल्यूमिनेटर है उसे मैं हल्का सा अपने इनर कॉर्नर पे प्लेस कर लूंगी। ये तो अभी बारी है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ एलिटिन की कलर पॉप मैट लिपस्टिक एंड ये जो शेड है वो है आई थिंक प्रॉम पिंक, तो ये कुछ ऐसा कलर है जो मैं ज़्यादा डार्क अप्लाई नहीं करूँगी, मैं बहुत लाइट इसे अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है एंड यस ये कलर मेरे गूगल पिक में था, तो थोड़ा सा लाइट है बट लुकिंग गुड। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का लिप बाम जो थोड़ा सा शाइन देगा एंड थोड़ा टिंटेड भी है। या जरूर कर देना एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई कोई डिफरेंट चैलेंजेस करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये चैलेंज करो, आप वो चैलेंज करो, आप बोल सकते हो एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। एंड गाइज अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग आते सिर्फ वीडियो देख के जाते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड यस दैट्स इट। सो मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।